मैं यूपी के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यह हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि कृपा करके आपको जो अधिकारी इस बात को ब्रीफ किया है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, आप एक बार विचार करिए और छात्रों का भविष्य जो है वो सुरक्षित करिए। ये जरूर कहना चाहूँगा साथ में कि UPPCS ARO और RO की जो परीक्षा है उसका एक डेट तो दीजिए। ये बार बार परीक्षा को आगे बढ़ाना ये UPPCS की क्रेडिबिलिटी पे खतरा है। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, मैं लगभग पिछले 8 महीने से केवल और केवल राजनीतिक वीडियो ही बनाता था, कभी अरविंद केजरीवाल पे, कभी राहुल गांधी पे, कभी हम गुजरात में रहते हैं तो गुजरात के जो है नेताओं पे, कभी नीतीश कुमार पे क्योंकि मेरा घर बिहार है, प्रशांत किशोर पे। लेकिन मैं 2-3 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था जिसमें यूपी के छात्रों का प्रदर्शन था और उसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यूपी के उन छात्रों तक मेरी भी बात पहुंचनी चाहिए और ये केवल यूपी की तैयारी करने वाले छात्रों का मुद्दा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उस प्रक्रिया में भारत के लगभग सभी राज्यों में तैयारी करने वाले छात्रों को आज न कल गुजरना पड़ेगा या कहीं के छात्र गुजर पड़े हैं, गुजर चुके हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज एक वीडियो है UPPCS और RO और ARO की परीक्षा में जो भी हुआ उसका जिम्मेदार कौन। यूपी के लाखों प्रतियोगी छात्रों का साल बर्बाद। सबसे पहले मैं आज ये वीडियो शुरू में ही कह दूं कि मैं आज ये वीडियो उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को संबोधित करके बना रहा हूं। इस परीक्षा की पद्धति में कई कमियां हैं और मेरा मानना है कि यूपी के मुख्यमंत्री जी को या तो ये कमी पता है और अगर नहीं पता है तो अधिकारियों ने उनको जो भ्रमित किया, तो एक नागरिक के तरह मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं एक बार उन सब चीज़ों को बता दूं ताकि अगर ये वीडियो किसी तरह मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे तो मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले सकें, या अगर यह पद्धति आगे भी लगा रहता है तो कम से कम इस बात की तसल्ली हो जाए कि शायद इस बिंदु की जानकारी मुख्यमंत्री जी को पहले से थी और वो इस तरह का निर्णय उनके ही निर्देशन में लिया गया। सबसे पहले मैं UPPCS RO और ARO की तैयारी करने वाले छात्रों के तरफ से ये आवाज़ उठा रहा हूँ और ये आवाज़ किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं है। आखिर बच्चों के परीक्षा में इतना लेट क्यों हो रहा है? अगर ये सबसे पहला सवाल का जवाब ये होता है कि बहुत अधिक संख्या में लोग फॉर्म भरने लगे, तो जहाँ तक मुझे पता है कि RO ARO में 11 लाख के आसपास लोग फॉर्म भरे थे और UPPCS में लगभग 6-6.5 लाख लोग फॉर्म भरे थे। तो इसी भारत में UPSC एक ऐसी संस्थान है जिसमें बच्चे 11 लाख जो है सिविल सर्विसेज में फॉर्म भरते हैं, तो उनका परीक्षा लेट क्यों नहीं होता है? ये कोई एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न उन सभी राज्यों से है और उन सभी राज्यों के पब्लिक सर्विस कमीशन से है कि अगर
11 लाख फॉर्म भरने वाले, मैं मानता हूं कि उसमें से आधे लोग एग्जाम देंगे, तो यहां भी वही हो सकता है, लेकिन अगर 11 लाख फॉर्म भरने वाले लड़कों का परीक्षा यूपीएससी भारत का ही वह मतलब कि संवैधानिक संस्था समय पर ले सकता है, तो भारत का वह दूसरा संवैधानिक संस्था चाहे जीपीएससी हो, चाहे आरपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो, समय पर क्यों नहीं ले पाती? इसका दुष्परिणाम क्या होता है, यह सबसे पहले समझना है। मैं पहले अपने बारे में बता दूं, फिर आगे बढ़ूं कि मेरा नाम रजनीश सिंह तोमर है। मैं पिछले 24 साल से आईएएस की तैयारी करने वाले छात्रों को मार्गदर्शन दे रहा हूं, इसलिए मैं इन सभी प्रक्रियाओं से परिचित हूं। सबसे पहले तो बच्चे दो प्रकार के होते हैं तैयारी करने वाले। एक वैसे बच्चे होते हैं जो परीक्षा को देखकर तैयारी नहीं करते हैं, उसमें यूपीएससी की तैयारी करने वाले, यूपीपीसीएस की तैयारी करने वाले, यानी जितने भी प्रकार के राज्य सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले लोग हैं, और एक हद तक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी करने वाले, ये लोग जो हैं, क्योंकि इसका अनुभव हमें भी है, ये लोग लॉन्ग टर्म तैयारी करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि इनके लिए परीक्षा 3-4 महीना आगे भी बढ़ जाता है, तो दरअसल ये पीछे से 2-3 साल से तैयारी करते आ रहे होते हैं, तो पीड़ा तो इनको भी होती है, लेकिन इनको थोड़ी कम पीड़ा होती है। लेकिन वैसा परीक्षा जो हर साल नहीं आता है, इसमें छात्रों की गलती नहीं है, आर ओ ए आर ओ, पी एस आई, कॉन्स्टेबल, कोई क्लर्क का एग्जाम, ये सब एग्जाम जो है जो हर साल नहीं आता है, तो इसमें तैयारी करने वाले छात्र जब फॉर्म निकलता है तब वो तैयारी करने आते हैं। इस बैकग्राउंड में जो बच्चे आते हैं तैयारी करने, उनमें ज्यादातर बच्चों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। हालांकि इस बैकग्राउंड में भी वही होता है, लेकिन इस बैकग्राउंड में मिडिल क्लास कुछ ज्यादा होता है, क्योंकि इनको पता है कि हम इलाहाबाद, पटना, जयपुर, चाहे भोपाल, चाहे इंदौर, चाहे अहमदाबाद, चाहे दिल्ली, कहीं जाके रहेंगे तो 7,000 से लेके 10,000-12,000 के बीच का तो महीने का खर्च आना है। और इस वर्ग की तैयारी करने वाले छात्रों का है कि कोई बात नहीं, 5 महीना बाद परीक्षा होगा तो चलते हैं ना, थोड़ा या पिताजी कर्जा ले लिए हैं या पिताजी कहीं से मैनेज कर लिए हैं, ये बच्चे उस तरह के होते हैं। तो अगर ये एग्जाम आगे बढ़ता है तो इन बच्चों के पास कोई रास्ता नहीं होता है। सरकार को ये समझना चाहिए, ये बच्चे वापस फिर अपने गांव जाते हैं, चले जाते हैं, और उनके तैयारी का रिदम टूट जाता है। तो मेरा चूंकि यहां पर विषय आर ओ ए आर ओ और यूपीपीएससी है, लेकिन आज सभी राज्यों के पब्लिक सर्विस कमीशन और वहां के मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ करके विनती है कि वैसे तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा भी आगे नहीं जानी चाहिए, लेकिन कम से कम ये जो हर साल फॉर्म नहीं निकलता है, कभी कभी फॉर्म निकलता है, वैसे परीक्षा का जब फॉर्म निकालते हैं तो पूरा प्लानिंग करने के बाद निकालिए, कि जो डेट दें वो बार बार नहीं टले। आज आर ओ ए आर ओ और यूपीपीसीएस में यही हुआ है कि 24 अक्टूबर को यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम होना है,
लेकिन आज तक ये ऑफिशियल नहीं पता है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। अब आइए इस दो परीक्षा में मैं यूपी के माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाह रहा हूं कि एक नया शब्द गढ़ा गया है नॉर्मलाइजेशन। मैं इस दो परीक्षा को फोकस करके बता रहा हूं, लेकिन मैं उन सभी राज्य के उन परीक्षाओं के बारे में कह रहा हूं कि यह नॉर्मलाइजेशन एक धोखा है, मुझे भी अनुभव है। इसलिए मैं अभी फिलहाल यूपी के माननीय मुख्यमंत्री जी से ये हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि उस अधिकारी को बुला के पहले जबरदस्त डांटिए जो आपको क्या कहते हैं ये धुंधले बादल के उस पार रख करके समझा दिया कि इसके होने से बहुत अच्छा होगा। मेरा तो ऐसा मानना है कि अभी जिस अधिकारी ने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दिया है, चाहे वो आईएएस अधिकारी हो या पीसीएस अधिकारी हो, कम से कम उनको तो ये बात पता होना चाहिए कि वो इसी प्रक्रिया से गुजर कर आए हैं। जो आज मुख्यमंत्री जी को ये सलाह देने की स्थिति में है कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, ये वही लोग हैं जो मिनिमम 2010 के पहले इस परीक्षा को पास किए हैं, और उनको ये बात भली भांति मालूम है कि उनके समय में एक पेपर हुआ करता था ऑप्शनल और दूसरा पेपर हुआ करता था जीएस। जीएस यूपीएससी में 150 मार्क का, अलग अलग राज्यों में अलग अलग मार्क का, लेकिन ज़्यादातर जगहों में 150 मार्क का, और एक ऑप्शनल हुआ करता था जो 200 से लेकर 300 मार्क के बीच का होता था। ये जो लोग पास हुए हैं ये इस प्रोसेस में हुए हैं। उनके समय में इस नॉर्मलाइजेशन का नाम था स्केलिंग। सेम चीज है, क्यों ऑप्शनल में स्केलिंग होता था? क्योंकि 23 से 28 विषय होते थे, सबके पेपर अलग अलग होते थे। कोई इतिहास विषय लिया है, कोई भूगोल लिया है, कोई गणित लिया है। जैसे ही पेपर बदलेगा, जो अलग लोग इसको बनाएंगे तो दोनों के स्टैंडर्ड में फर्क आ जाएगा। तो इसलिए अगर किसी को नंबर आ गया हो ऑप्शनल में 200 में 150, तो इसको माना जाता था रॉ मार्क्स, कच्चा मार्क। और उसमें आगे का फार्मूला छोड़िए, एक फार्मूला था कल्पित माध्य। बस यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कल्पना जैसे ही करेंगे ना, इंसान कल्पना कर रहा है, ये खत्म, डेविएशन आएगा। और इस चक्कर में कई बार कई लड़कों का भविष्य बिगड़ा है, जो पास, जो थर्ड रैंक पर थे, स्केलिंग के बाद 9th रैंक पे चले गए क्योंकि उनका मार्क्स घट गया। तो आज यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ के परीक्षा में इसीलिए नॉर्मलाइजेशन होगा कि परीक्षा 2 दिन तय किया गया है, क्योंकि लड़कों की संख्या बढ़ गई है। इसमें जो भी अधिकारी कल्पित माध्य रखेगा, ये कल्पना है, वो कितनों से पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स, अगर 0.5% का भी डेविएशन हुआ तो कई बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा और कई बच्चों का बच्चे जो उनसे कम योग्य होंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। अब मैं ये बताना चाहता हूं यूपी पीसीएस को कि 6.5 लाख विद्यार्थी अगर आपके यहां फॉर्म भरे हैं
तो आप ये बताइए कि अगर एक सेंटर पर 500 विद्यार्थी को परीक्षा लेने के लिए आप कर सकते हैं तो एक बार में कितने सेंटर चाहिए आपको? मैक्सिमम 1300 सेंटर। दिल्ली में, सॉरी यूपी में 80 से ज़्यादा जिला है, लेकिन हम भाग लगाने के लिए 80 से अगर भाग लगा दें 16 गो सेंटर हर जिला में चाहिए। क्या एक डिस्ट्रिक्ट टाउन में, ये तो मैं 500 पर बताया, 16 सरकारी स्कूल और कॉलेज नहीं है क्या? तो ये परीक्षा एक दिन में क्यों नहीं लिया जा सकता है? तो आज मैं यूपीपीसीएस आरओ और एआरओ की तैयारी करने वाले छात्रों की तरफ से मैं यूपी के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यह हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि कृपा करके आपको जो अधिकारी इस बात को ब्रीफ किया है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, आप एक बार विचार करिए और छात्रों का भविष्य जो है वो सुरक्षित करिए। दूसरा, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा साथ में कि यूपीपीसीएस एआरओ और आरओ की जो परीक्षा है उसका एक डेट तो दीजिए। ये बार बार परीक्षा को आगे बढ़ाना ये यूपीपीसीएस की क्रेडिबिलिटी पे खतरा है। और अंत में मैं यही कहूँगा कि यूपीपीसीएस स्वयं जो है एक उत्तरदायी संस्था बनके और लड़कों के हितों को ध्यान में रख करके एक सटीक निर्णय ले। अब बाकी वो उनके ऊपर निर्भर करता है, हम कह क्या सकते हैं इससे ज़्यादा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग अगले में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।